वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास हरदीप सिंह डिब्बीवा एक बार फिर आप जी नूं मुखातिब हाँ, क्योंकि 18 तरीक तो लैके अज 21 तरीक हो गई, 4 दिन का समा गुजर गया। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार हरप्रीत सिंह वालों जिहड़ी उस दिन स्पीच दित्ती गई, उस नूं लैके पंथ के बहुत वड्डे हिस्से विच एक तरह का रोस है और बहुत प्रतिक्रियावां जिहड़ियां हन पंथक जथेबंदियां वालों, जथेबंदियां दीआं मुखियां वालों आ रही हैं, क्योंकि गल्लां ते उही ने जिहड़ियां असीं लगातार पिछले कई सालों तो कहिंदे आ रहे हैं। दास ने तो अपनियां किताबां विच लिख लिख के भी कहीआं कि ये जो कुछ हो रहा है जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा ढा लाने की कोशिश की जा रही है, पदवी कटा के पेश किया जा रहा है, अकाल तख्त तो जारी हुक्मनामे का जो हशर हो रहा है, ये सारा पंथ विच संकट पैदा करने वाल वध रही निशानियां। तो अज उही असीं वेख रहे हाँ कि पंथ विच किड्डा वड्डा संकट पैदा हो गया। अज जना खणा अकाल तख्त के जथेदार के खिलाफ बोलन लग गया, क्योंकि अकाल तख्त के जथेदार ने यह मौका दिता। उन्हें अपनी स्पीच विच ना तो लफ्जा की चोण सही की, ना उन्हें सामने जिन्हां ते वह हमलावर हो रहा उन्होंने कद किरदार नूं जांचिया, क्योंकि जदों वह कहिंदा है, जदों वंगार पाउंदा है भी खालसा जी कोई दुखी तिक्की आके श्रोमणी कमेटी नूं ताले लाने की कोशिश ना करे, तो तुसीं पिंडां विच ना बैठे रहे हो, डांगा लैके आ जाओ, तो दुखी तिक्की कहिंदा किनूं है? क्योंकि जिहड़े अंदर बैठे सी उन्हां दीआं ते लत्तां बाहां तोड़ चुका सी, वो तड़वा चुका सी, उन्हां दा ते एक तरह नाल भोग पा चुका सी, और उस तों बाद मता वी एक पेश कर चुके सी कि भी इत्थे कोई आ नहीं सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो इस गल नूं चैलेंज नूं स्वीकार किया जथेदार रणजीत सिंह। रणजीत सिंह तरीक दे के इन्हां नूं आया भी तुसीं कहिंदे इत्थे कोई आ नहीं सकता, तो मैं आ रहा तो पंथ तुहाडे तों सवाल करदा है, तुसीं उहनां दे जवाब दो, पंथ तुहाडे तों सवाल तुहाडे तों जवाब मंगण आ रहे। तो उदन तुसीं भज गए, तुसीं लभे नहीं, तो फिर तुसीं 18 तरीक नूं दुखी तिक्की जिहड़ी गल नाल तुलना करदे हो जिन्हां दी, कित्थे है रणजीत सिंह दा कद? कौम दी डिग्गी हुई पग जिन्हां ने सिर ते रखी कौम दे, ते कित्थे हो तुहाडा कद? रोज़ कौम दी पग लवाउंदे हो सिर बादलां दी कुछड़ 'च बैठ के, तुसी कोई लफ्जा की चोण कर लग्या, किसी मर्यादा का कोई पालन तो कर दे। पर मैनू लगता जथेदार जी, जिहड़ा राजस्थान के डेरे विच तुहाडे ते फुल्लां दी बरखा हुई है ना, उस तों बाद तुहाडे पैर उखड़े। क्योंकि एक शायर ने बहुत खूब किया है कि जब कमीने उरूज पाते हैं अपने माजी को भूल जाते हैं, बड़े कमज़ोर पुकारे हैं चंद सांसों में फूल जाते हैं। क्योंकि पकाना बहुत माड़ा माड़ा तो हुंदा ही है, पर थोड़ी जी फूकां नहीं फुल जाता, वो सहार ही नहीं सकता, फूकां दा वजन ही नहीं सहार सकता, एकदम फुल जाता। तो तुहाडा भी मैनूं लगदा वही हाल होया होया, तुसीं मर्यादा का ख्याल ही नहीं रखिया, किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखिया, तुसीं गल्लां बहुत वड्डियां वड्डियां कीतियां, इतिहास चों हवाले दित्ते, चब्बर साहब का हवाला दिता, पुच्चर साहब का हवाला दिता, उन्हां वल्लों कब्जा श्रोमणी कमेटी गुरुद्वारा प्रबंध नूं आजाद कराउण दी गल दा जिक्र कीता, पर तुसीं उन्हां हवालियां दे कितें पापा सिंह तर खड़े हुंदे उन्हें जथेदारां दे जिन्हां दे तुसीं हवाले दे रहे? कि सिर्फ नां लैण हवाले देण नाल तां जथेदार दा कद बहुत वड्डा नहीं हो जांदा? अकाली फूला सिंह इस तख्त दे जथेदार रहे ने, कि तुसीं अपने आप नूं अपने दिल ते हथ रख के कह सकते हैं कि तुसीं उहनां दे कितें पैर दी धूड़ दे बराबर भी कितें टिकदे हो इस मुकाबले च? सो जथेदार जी, गल्लां कहण नूं बहुत ने, मैं इंतज़ार कर रहा हाँ, 4 दिन हो गए तुहाडे वल्लों जो खेड शुरू कीती गई है उत्ते प्रतिक्रियां आ रही हैं। पंथ प्रीत सिंह बोल रहे ने, दादू वाल साहब बोल रहे ने, होर बहुत सारे लोग बोल रहे ने, चलो विरोधियों की आप गल ना करिए, गरेवाल ने तो जो कुछ किया है वो तो
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ? ਪੰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।